है मेरा सब पढ़ो में, और मुझे विश्वास है कि सबको कल के पर्यायवाची बहुत अच्छे समझ आए होंगे। तो आज हम पर्यायवाची शब्दों में आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज का पहला शब्द है अश्व। अश्व, अश्व क्या होता है? घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। अतिथि, अतिथि को हम पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत इन नामों से जानते हैं। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। देखिए गणेश भगवान जी के कितने सुंदर नाम हैं, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, अंबर। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। ईश्वर, ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं, प्रभु, ईश, जगदीश। घर, गृह, आलय, धाम, निकेतन। आपको दिख रहा है ना? पक्षी, पंछी, खग, विहग, पतंग। गंगा, देवनदी, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। दिख रहा है आपको भागीरथी? ये इसके बाद है जल। जल को हम बोलते हैं नीर, पारी, अंबू, तोय। पवन, पवन को हम बोलते हैं वायु, हवा, समीर, अनिल। तो एक बार फिर से हम इन शब्दों को दोहराते हैं। अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, अंबर। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश, जगदीश। घर, गृह, आलय, धाम, निकेतन। पक्षी, पंछी, खग, विहग, पतंग। गंगा, देवनदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। जल, नीर, वारी, अंबू, तोय। पवन, वायु, हवा, समीर, अनिल। तो आप अगर इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो पढ़ते रहो, खूब बढ़ो और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।